सच्चा कुदरत जानी है जिन राती जिन बनाईया सो सच साला ही तदा तदा सच सचे किया वड़े आईया साला ही सच साला सच सच कीमत किने न पाईया जमिलिया पूरा सतगुरु हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाया तिना भुखा सब गवाईया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की तखत चबर के मालक गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन दरबार अंदर जुट बैठ आप जी ने तुरकी बाणी के पावन शब्दों का कीर्तन सरवण किया। कीर्तन के द्वारा ये उपदेश सानू दृढ़ करवाया जे मालक साडे वल है ते सानू किसे गल दी कमी नहीं, मोहताजी नहीं है। पावन बोल आप जी ने भी दृढ़ किते ने, जा तू मेरे वल है ता क्या मन चंगा, क्योंकि सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा। दो गल्लां ने कि असीं सचमुच ही चाहुंदे हां भी वह साडे वल होवे, जां कि असीं सचमुच चाहुंदे हां भी वह सारा कुछ मैनू सौंप दे। जे चाहुंदे हां भी वह सारा कुछ मैनू सौंपे उहदे वास्ते शर्त की है, जां तेरा बंदा पढ़ना पेगा। जिमें पातशाह जी ने पूछा सी ना माधोदास तू कौन है, कहिंदा मालिक मैं तुहाडा बंदा है। पातशाह कहिंदे जे तू बंदा है फिर काम भी बंदिया वाले कर। कदे पातशाह जी ने पूछा भी बंदिया वाले काम किहड़े होते, जे सतगुरु नूं सवाल करके पुछांगे ते दाता जी जवाब देणगे। दूसरी गल, समाज जी तुसीं बड़ी बार सुनिया होएगा, कई बार साडे घर दे वडेरे सानूं कह दिंदे ने तूं बंदा बनना कि नहीं, ते वेख हले ते मैं तैनूं प्यार दे नाल कह रहा भी तूं बंदा बन जा, ते अगला कहे जी मैं तैनूं डंगर नहीं दिलाऊंगा। फिर इंसान नूं अक्सर ये गल कही जाती है
मैं बंदा बना दूं तेन। अच्छा कई बार ना अगे जड़े होंगे ने जिन्होंने अं कहने भी बंदा बना दो, कई चंचल किस्म के होंगे ने, अगे किन्ने बनाए ने, कहना बड़े बनाए तेरे वर्ग के, खास करके मैं बड़े सीधे किए। हम सतगुरु नूं आपां पुछिए पाचा जी बंदे की निशानी की है। हुण जे असीं वेखांगे शरीर की बणतर ही वेखांगे, पर सतगुरु पातशाह जी ने बाणी च वचन किया बंदा सोए जो बंदगी गहै, जिहड़ा बंदगी करदा है गुरु की निगाह विचों बंदा है। तो बंदा सिंह बहादुर बंदगी करन लग पिया, गुरु का बंदा बन गया, कि तन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने उन्हें सारा कुछ सौंप दिया, पंथ की अगवाई दे दी। साडा जी नहीं करता उहदे बंदे बनन दे, औखा लगता, औखा लगता उहदे बनन नूं, क्योंकि साडे मन च बहुत सारे भरम ने भी उहदे बन गए तां शायद सानूं बड़ा कुछ छड्डणा पएगा, डरदे आं अंदरों। कि ऐसा नहीं, वेखो ना गुरु साहब ने खाण तो मना किया, ना पाण तो मना किया, ना कमाण तो मना किया, ना घर छड्डण तो मना किया, ना कारोबार छड्डण तो, गुरु ने तो मना किया ही नहीं, फिर कड़ी गल नूं लै के डर रहे, कड़ी गल नूं लै के डर रहे। जिहड़ियां गल्लां नूं लै के डरदे आ ना, मैं तां बेनती करांगा उह गल्लां तुसीं आपणे कोल लिखो, और वह गल्लां लिखण तो बाद गुरु दे कोल बह के समझो दाता मैं तेरा बंदा ते बन जा, पर मैनू आ गल दा डर आ, यह मेरा शंका ते निवृत कर, इहदे बारे तेरा की ख्याल है। पर इन्ना मेरे को टाइम ही नहीं, एक पंगा नहीं है, टाइम बहुत है साडे कोल, बस उन्हूं थोड़ा जा मैनेजमेंट जिहड़ी ठीक करनी पएगी टाइम दे ख्याल रखे। आ थोड़े दिन की बात है, मैं एक भैन जी नूं कहिंदा कि तुसीं कीर्तन दी थोड़ी होर मेहनत करिया करो, ते अगों देखो उन्होंने गल कही है, कहिंदे बस टाइम ते बड़ा हुंदा पर हिम्मत नहीं हुंदी। हुण उन्हां नूं पता सी, तां मैं कह नहीं सकदी वी टाइम नहीं हुंदा, क्योंकि उन्हां पता है साडे घर सफाई वाली भी लगी है, साडे घर काम वाली भी लगी है, तो वह साडा टाइम बचता नहीं है, वही तो साडा टाइम बचता है ना। मैं कह जी तुसीं कुछ ना करो, एक अद्धा घंटा सारे दिहाड़े तो पक्का फिक्स कर लो, भी आ अद्धा घंटा मैं कुछ नहीं करना, वाजा लैके बहना, मैं पोथी लैके बहना, मैं अर्थां की पोथी लैके बहना, अद्धा घंटा पक्का बन दिओ, भी इस अद्धे घंटे तो मैं कुछ नहीं करना, जो कुछ करना है गुरु अते बाणी दे नाल संबंधित करना, आपे गल बन जाए। समा देंगे तो साढ़े अंदर होर मजबूती आएगी, क्योंकि तो अभ्यास करांगे तो पता लगता जाएगा। तो दाता जी ने वचन किया तुद तो सब कुछ मैनू सौंपया जा तेरा बंदा, और जेड़ा उदा बंदा बन गया उदा सेवक बन गया, वो फिर थां थां ते मंगदा नहीं है, वो विंडदा है। तुसी कदे बंदा सिंह बहादुर नूं मंगदे वेखे आ कदे? उन्हां वेलियां दे विच अच्छा वो मंगदा नहीं सी, कमाल दी बात है, वो बादशाहियां वंडदा सी बंदा सिंह बहादुर, वो नौकरियां देंदा सी, कमाल दी गल है। उन्हें देखो नानक जी दे नां ते सिक्का चलाता, गुरु गोबिंद सिंह ते गुरु नानक पातशाह जी दे नां ते उन्हें मोर चलाती गुरु साहिबान के नाते, उहदे बनन की ना कोशिश तो करिए, पर चलो आपां इन्नी कु कोशिश करिए भी कुछ गल्लां समझण दा जतन करिए भी उहदे बनन वास्ते मैनूं की करना पएगा। चलो पहले यही चीज़ां आपां समझण दा ते जतन करिए। अज तुसीं 23वीं पौड़ी दे श्लोक दा ते पौड़ी दा पाठ सुणिया। हुण सतगुरु गुरु रामदास पिता महाराज जी ने अज दी इस श्लोक और पौड़ी दे राही ना रब दी बंदगी किवें करनी है, ये तरीका दस्सिया। और मैं
एक गल सांझी करा। यह तरीका साढ़े सारे को पर असी वरतदे नहीं। सतगुरु ने तरीका की बयान किया, महला चौथा गुरशाला ही अपना बहुविध रंग छुपाए। पाचक कहते मेरा मन ये लोचदा है की लोचदा की चाहता है। मन मेरा मन चाहता दाता मैं तेरी सिफत सलाह करा। ते रुकावट की है? कोई रुकावट नहीं। अच्छा मैं तेरी सिफत सलाह करा और करा बड़े तरीकों के नाल, एक तरीके नाल नहीं कई तरीकों नाल। हुण तुसीं वेखो असी घरां दे विच अक्सर ये तरीके वरतने हैं, खास करके जिन्हां दा संबंध रसोई दे नाल। साडे घर दे अंदर भावें साडी मां लगी है रसोई, भावें की लगी है, भावें किसी दी औरत लगी है, वो हर रोज़ ना बनाउण तों पहलां ये विचार करदी भी अज की बनावां। वैसे कईआं नूं समस्या लगदी है भी रोज़ रोज़ सोचो की बनाना है, बस बनाओ ते खाओ, बनाओ ते खाओ। खाण बनाने वाला यब जब मुकदा कि कई भार भी लगता है खा लो। अच्छा कई आप ऐसे परिवार भी वेखे ने वो हर रोज़ कुछ ना कुछ नव ट्राई करते हैं। मेरे मालिक ने वचन किया कुरबाणी के अंदर, ज्यों पुर कहकर भगती नार है। हुण देखो पुरख दे घर जिवें औरत है, हुण औरत चाहुंदी है मैं वधिया वधिया चीज़ां बना के अपने परिवार के सारे जीवां नूं खिलावां ताकि वह सारे खुश होण। हुण उह वधिया वधिया चीज़ां बनाउण वास्ते फिर की करना पएगा? मेहनत करनी पएगी, दिमाग वरतना पएगा कि नहीं? बिना दिमाग वरतियां तां नहीं गल बननी। कई तो ना मेरे वर्गियां सार दिन लगियां रहिंदियां यूट्यूब ते देखण, बनाउंदियां फिर उही है पुराना ही। न्याणे कई बार कहते माता तू दे सार दे देख दी भी आह भी चीज़ी मेरा रेसिपी वेखी यदि भी देखी यदि देखी बनाई तू फिर उही दाल है। इन्ना समा लाया तो जिस समा लाया उन्होंने वरती भी तो सही। हुण सब ने बाणी बचन किया, हुण वह औरत की करती है, बहुविध सालने सवार दी खटरस मीठे पाए। वह फिर बहुत सारे रस मिला के ना वधिया तो वधिया चीज़ तैयार करती है। कदे खट्टा बनाउंदी है, कदे नमकीन बनाउंदी है, कदे मिठा बनाउंदी है, कदे सलूणा बनाउंदी है, कई बार लूणा भी बन जाता है। लूणा लूण तो रहत अज तो नाश ही मारती, की हो गया लूण तो पाया ही नहीं। पर देखो लूण कैसी चीज़ बनाई है मालिक ने, पंजवा पाया लूण, पंजवा पाया किर। हुण तुसीं वेखो लूण एक कैसी चीज़ बनाई है भी लूण तो बगैर चीज़ स्वाद लगती नहीं, पर जे वध पै जाए फिर भी नहीं खाण। हुण दाता जी ने वचन किया जिवें औरत वधिया वधिया भोजन जां व्यंजन बना के घर दे जीआं नूं छकाउंदी है, ठीक ऐसे ढंग नाल त्यों बाणी भगत सलाहांदे। इवें जिहड़े भगत ने नवे नवे तरीकों के रब की सिफत करते ने, कुछ तरीके तो आप जी रोज़ वरतदे हो जिवें तुसीं पाठ करदे हो, तुसीं कीर्तन सुणदे हो, बस कदे कदे समा मिलदा कथा भी सुन लेंदे, पर कदे आप भी तो करके वेखिए। अच्छा कल मैं पाठ किया ना, अज मैं थोड़ी बाणी विचार के वेख, अज मैं बाणी दे शब्द कंठ करके वेखना, अज मैं बाणी नूं गाउणा है, अज मैं बाणी नूं सुनना है। देखो दाता जी ने की बचन किया, मैं फिर बेनती करदे आ, गुरशाला ही अपना बहुविध रंग छुपाए। मेरा जी लोचदा है मैं गुरु नूं अनेकां तरीकों नाल सलावां, अनेकां तरीकों नाल सिफत करां। जिवें हुण आपां जे सेवा की गल करांगे, सेवा कोई एक तरीके की थोड़ी है, बड़े तरीकों की है सेवा, पर असीं ते दो चार ही करके करदे हां, और वह भी दो चार करदे हां दो चार थावां ते बस, उस तों गांह पिछासी जांदे नहीं। जिवें आ मैट बिछिया होया ना इत्थे पोचा मारना पक्का है, बाहर निशान साहब की सेवा करनी पक्की है, चबूचा जिते पैर तुरने धोना पक्का है, फिर अगे दर्शन जोड़ी पोचा ला देना पक्का है, बस जा उपर चले गए हाल दे विच पोचा मार लिया पक्का है। फिर इस तों अगे जिंदर लंगर बनना प्रसादे ठल ते
ਜਾਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਤੇ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਲਿਆ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿਖਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ? ਚਲੋ, ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟ ਲਈ। ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ? ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਾਟ ਕੱਟਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਨਿਆਰ ਕੱਟਦੇ ਨਾ ਕਾਟ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਆਇਆ ਲੇਖਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿੱਤੇ 'ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ? ਬਾਬਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਹੀਂ ਮਰ ਦਿੰਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ ਦੇ ਤਾ, ਤਿਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਨੇ। ਤਿਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਹ ਤਿਲ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਤਿਲ ਲੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰੀ ਸੋਟਾ ਲੈ ਲੈ, ਕੁੰਡਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਜਿਹਦੇ ਚੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਬੁੰਦ ਬੁੰਦ ਵਰਤਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 10 ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੰਡਾਂਗਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡ ਲੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਦਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵੈਦਗੀ ਵੰਡ ਲੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਸਲਾਹ ਹੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ ਅਗਲੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 5,000 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲੈਣਾ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦਾ 5,000 ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, 5,000 ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਸੇਵਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ, 2,000 ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਓ, 3,000 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਨਖਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਖਾਣੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, 10 ਦੀ 2 ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, 8 ਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਿੱਤੇ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਹੀ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਨੇ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹ ਜਾਤ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਸਲਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋਬਿਧ ਰੰਗ ਸੁਭਾਏ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਸਵੰਨੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਪੜਿਆ, ਸੋਦਰ ਪੜਿਆ, ਸੁਖਮਨੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਸੱਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਰਾਏ ਬਲਵੰਡ ਸੱਤੇ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਉਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਫੜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਫੜਾ ਆਟਾ ਬਣਾ, ਇਹਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣਾ, ਮੋਰ ਬਣਾ, ਕਬੂਤਰ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ।
मन नू कम लाओगे इन्हें आपे शांत हो जाना। हुण वेला मन शतान ते इन मन नू ते कोई कम है नहीं, मन सगो सानू कम लाउंदा ते मन जिहड़े सानू कम लाउंदा सिद्धे नहीं लाउंदा पुठे लाउंदा ख्याल। तो दाता जी ने वचन किया वेखो मेरा जी करदा दाता कि मैं तेरे शिफ्त शला नू करां और वन सुवन्ने तरीकियां दे नाल मैं शिफ्त शला करां ख्याल। ते वह जिहड़े तरीके ने ना जी उह लभणे पैणगे, तो खोज सानू करनी पएगी भी मैं किहड़ा तरीका वरतां कि मैनू गुरु की खुशी मिले। एक देखो लिखारी आया धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की खुशी लैनी है, वो जो आया ना तो किताब लिख के लैके आया गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के वास्ते। असी पता कदों गुरु नूं किताब भेटा करते हैं, जदों सानू कोई कहिंदा भी तू एवं कर गुरु ग्रंथ साहब भेटा कर गुरुद्वारे, तू एवं कर गुटका भेटा कर गुरुद्वारे तेरा काम हो जाऊगा, मैं तां आके गुरुद्वारे गुटका देखा, मैं तां आके गुरु ग्रंथ साहब की सेवा। बड़े परिवार ऐसे भी होंगे जी असी गुटकियां की सेवा करनी है क्यों, क्योंकि सानू किसी ने कहा भी तुहाडा जिहड़ा काम रुकिया है ना वो तां बनेगा जे तुसी आ काम करोगे। साडे मन च कदे नहीं ख्याल आउंदा भी मेरा गुरु किड्डा विद्वान है कि नहीं है, कि जिहड़े विद्वान होंदे आ ना उन्हां दा प्यार किताबां नाल हुंदा है, उन्हां दा प्यार कलम नाल हुंदा है, उन्हां दा प्यार नोटबुक दे नाल हुंदा है, जिहड़े विद्वान ने ख्याल रखना। क्योंकि देखो नानक सतगुरु जी ने दुनिया के जिस भी कोने विच गए उन्हां कोले दो चीज़ां ने, कलम है नोटबुक है, जिथे जाते ने नोट करके लियाते। साढ़े कोले की है, इत्थे दो चार दिन की बात है एक तरीक लिखनी सी ते मैं कहा जी वो कागज़ तो सी, मैं कहा हैगा तुहाडे कोले, कहिंदे है नहीं, मैं कहा मेरे कोले भी है नहीं, दोवें इक्को जिहे, मैं कहा चलो मैं कोशिश करदा भी जबानी याद रख लो, रखी हुई है 15/7/2022 ये नोट करना, ये साडी हालत है ही नहीं। जे गुरु की खुशी लैनी है ना जी तो दो चीज़ा साढ़े को चाहिए, दुनिया के किसी भी कोने से जाइए जो भी सानू कोई चंगा ख्याल आता असी नोट कर लिए, बाद चो तो भुल जाने। मैं एक किसी के घर गया तो वह बड़े खुश तबड़े हुए, पर मेरी गल् सुनिया मैं हूँ कहें हूँ भी ये कितने असी बुला रहे हैं, मैं ना पाठ बहुत कर दी हाँ, मैं क्या लियाओ कापी लियाओ दिखाओ, कहनी जा कुड़ी कापी लैके अंदर आओ। मैं क्या एक मिनट बच्चे रुक जा, तो कहनी दसो, मैं क्या कापी के अंदर तुम लिखा की है, कहनी पन्ना नंबर लिखे बस, तो मैं क्या फिर कापी लिया का की फायदा, मैं क्या रहने की कापी नहीं चाहिए। मैं क्या जेड़ा बच्चा होमवर्क करता है उस सिर्फ पन्ना नंबर लिखता भी इस पन्ने पर आह लैसन है, इस पन्ने पर आह लैसन है, वो तो पहला इंडेक्स दिता हूँ किताब के अंदर, लिखने की लड़ ही नहीं है। मैं क्या तुम माता किन्ने पाठ करते, कहिंदी करते उन्हें 10-12। मैं क्या 10-12 पाठां दे दौरान तैनू सारा कुछ समझ आ गया, कहिंदी नहीं, मैं क्या फिर लिखिया नहीं इत्थे, जिहड़ी चीज़ नहीं समझ आई वह लिखनी सी ना, भी मैनू आ चीज़ समझ नहीं आई आ मैं नोट कर ली, जदों मैनू कोई समझाने वाला टकरेगा मैं कहांगी आ चीज़ समझाओ भाई। अच्छा फिर मैं क्या 10-12 पाठ किए, कोई पंक्ति मन टुंबी नहीं, चंगी नहीं लगी कोई पंक्ति, भी आ पंक्ति बड़ी कमाल दी है, मेरे दिल नूं छू गई, मैं क्या लिखी हुई है, कहिंदी नहीं, मैं क्या फिर बाणी की पढ़ी है। चलो जे तुसी ने पाठ कर भी ले, हुण इन्ने पाठां दे दौरान तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब जी दे किन्ने कु शब्द याद हो गए जां किन्नियां कु पंक्तियां याद हो गईआं, कोई सुणा दो 2-4-5-7 उत्ते वेखे भी आ की मसला हो गया। मैं क्या जो भी पाठ करते हो कापी पेन रखो, तो कापी पेन रखने का मतलब की है, मैं जिहड़ी चीज समझ आ गई मैं वह भी लिखनी है, तो जिहड़ी चीज नहीं समझ आई वह भी लिखनी है, फिर पता लगू ना मैं पढ़ने वाला बच्चा। हुण बड़े भी पढ़ने वाले जाते हैं मेरे वर्गे कापियां पेन लैके क्लास में बैंदे ने, पर कापियां उन्नी खाली होंगे लिखता है दिखा नहीं हो। तो सतगुरु ने तो वचन किया भी मेरा जी करदा मैं लिखा, मेरा जी करदा मैं गावा, मेरा जी करदा मैं सुना, मेरा जी करदा
अज मैनू कोई सिख पाठ सुनावे, वेखो किहड़ा सुनाएगा भी तुहाडे चों। जे असी किसी नूं कह दिए आ जाओ भाई तुहाडे चों किसे नूं सोहला पढ़ना, किहड़ा पढ़ेगा? कईआं नूं ते पता की होना, सानूं तां शर्म आउंदी है। क्यों भाई शर्म क्यों आउंदी है? घरे नहीं बाणी पढ़ते तुसीं? पढ़ते हैं पर घरे तां शर्म आउंदी नहीं, वो तो फिर घर है ना, ये तो मतलब ये मेरा घर नहीं है। सतसंगत जी, जे भाई दया सिंह शर्म करता ना तो पंज प्यारे च अपना नाम नहीं लिखाना सी, उहदी थां ते कोई होर ही होता। गुरु ने आवाज मारी, कहिंदा लो जी हाजरे हैं, दसो। मालक कहिंदे सिर चाहीदा, कहिंदा जी हाजरे हैं। किड्डी कमाल की बात है, ना उन्हें अपनी घर दी नाल सलाह की, ना उन्हें अपने माँ बाप नाल सलाह की, ना अपने भैन भरावां नाल सलाह की। उत्थों उठिया इत्थे आके कहिंदा सतगुरु वालों सिर लै लो, पर तैनूं पता है सिर देण दा मतलब जीवन खत्म हो जाएगा। कहिंदा फिर की होया? पढ़दा सी जन्म तुम्हारे लेके, हुण मौका मिल गया तां लिया दिंदे आ लेके। मैं पढ़दा सां जन्म तुम्हारे लेके, हुण मौका मिलिया, गुरु आप मंगदा, मैं देण नूं तैयार हाँ। इस तो अगे देखो दाता जी ने की फरमाया, पाचक कहिंदे ने सतगुर सेती मन रता। सतगुर सेती मन रता, सतगुर दे नाल मन जुड़ गया, रच मिच गया, रंगिया गया। हुण गुरु ने पता की कीता? रखिया मनत बनाए। गुरु ने मेरे मन नूं बड़ा सोहना बना के रखिया, गुरु ने मेरा जीवन सवार दिता। हुण ते मेरे घर दे कहिंदे भी तूं ते तर गया, एक कर दे कहिंदे तूं तर गया। एक ना जवान ने अमृत छकिया, अज भी बहुते लोग ऐसे परिवार मिलणगे जिहड़े नहीं बर्दाश्त करते भी साडा ती पुत अमृत छक लिया। उन्हें अमृत छक लिया, करदिया ने रात सुते पिता जूड़ा कट दिया। वो जो सवेरे उठिया कट्ठा बाल कट्ठे करके जूड़ा बनावा तो देखिया तो बाल ही है। उन्हों इन्ना दुख लगा, वो कहिंदा भी आ जीवन जीवन नालों ते मरना चंगा, खूह च छाल मार के मर जाना। ते घरदिआं नूं कह के घरों निकल गया। जदों घरों निकल गया ते अगे एक बजुर्ग होर टक्कर गया, उन्हें वेख्या भी बंदा गुस्से च जा रहा, रोक लिया। हाँ बई कित्थे? कहिंदा परां हो जाओ तुसीं। बस इन्नी गल कहण दी देर च उहनूं पता लग गया ते बड़े गुस्से च वो कहिंदा गल ते दस। कहिंदा तुहानूं क्या भरा, मैं ते मर जाणा कुछ छाल मार के। वो कहिंदा कोई नहीं, मरता जाई, पर मैनूं दस दे पुत गल की होई। उहने गल दसी, उहने पता की किया बजुर्ग ने? कहिंदा जे तूं मरना है मैं तैनूं मरण तों नहीं रोकदा, पर मैं तैनूं इह सलाह देंगा भी तूं जीवन अपना पंथ दे लेखे ला के मर ते तेरा नां रह जाएगा पंथ, ना रह जाएगा तेरा। उन्हूं गल समझ आ गई, उन्हें अपने आप नूं पंथ दे हवाले कर दोबारा केस रख ले, खंडे की पौल छक ले, पर पंथ विच जथे च रल गया जी, जथे च रल गया। और समा पा के इन्हें पंथ की बड़ी सेवा की, मसे रंगड़ का सिर वढ़िया। महताब सिंह जी, जीवन लेखे लाना ही है, जन्म तुम्हारे लेखे। जो इत्थे इधर जीवन लाने ना, गुरु ये नहीं कहता भी तू परिवार छड़ के आ जा। आ जिवें सौदे साध वाला करता जी ना, बीबियां नूं अपने परिवारों तो दूर करके अपने कोल पक्कियां रखी हुई, घर दे रोंदे पिटदे भी साडी धी ते वापस घर नहीं मुड़दी, साडा पुत वापस नहीं मुड़दा। नानक दे घर ऐसा नहीं हुंदा, ख्याल रखना। ना ना ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नानक दे घर ते खेड ही उल्टी है। मालक तो कहिंदे तू मेरे को नहीं आ सकता, कोई नहीं तू मेरे को लैसन लै जा, घर बह के भगती कर ले, घर बैठे गुरु ते आए हो, तू मेरे को लैसन लै, सिखिया लै, तू कम ते बैठा, कम कर दे भगती कर ले। होर दस की करना? किसानी करना, खेती करना, दुकानदारी करना, व्यापार करना, की करना तू? बोल, तू जिस किते विच है उस किते च रह के तू रब की भगती कर सकता। सतगुर सेती मन रता,
सतगुरु ने की किया रखिया मन तो बनाए गुरु ने मेरा मन बड़ा सोहना बना के रख दिता। हुण अगली गल वेखो जेवा सलाह न रजई हर प्रीतम चित लाए। कहिंदे मेरी जिहड़ी जेब है ना ये रब दीआं सिफतां कर करके रजदी नहीं। बड़े लोग ने तुसीं पाठ कर करके थकदे नहीं, पाठ करके भी कोई बंदा थकदा पर असीं तां थक जांदे आ, असीं तां थक जांदे आ गल क्योंकि साडा अभ्यास नहीं है। जिन्हां दा अभ्यास बनिया होया उन्होंने तो सात संगत एक चोकड़ा मार के एक ओंकार तो लैके तन मन दिवे हरिया तक पूरा गुरु ग्रंथ का पाठ कर दिता एक चौकड़े च मनो। अच्छा होर कमाल की बात वेखो जिस व्यक्ति ने एक चौकड़े दे विच पाठ करके महाराजे नूं सुनाया ना तो जो उन्होंने वापस छड़न की वारी आई ना उन्होंने पालकी च बिठा के तो महाराजे ने मोढ़ा देख के उन्होंने छड़ के आए। वह कहिंदा मेरा एडा सत्कार क्यों? वह कहिंदा पढ़िया तू तो पूरा गुरु ग्रंथ सुनाता एक चौकड़े च। अभ्यास जिम्मे जिम्मे करांगे शरीर उवें ढल जाएगा। क्या मालक कहिंदे जेबा सलाह ना रजी मेरी जेबा ना शिव सलाह करके रजदी नहीं है। हर प्रीतम चित लाए ते बस मेरा ना जी भरदा ही नहीं है प्रभे प्रभु नाल प्रेम पा पा के रजदा ही नहीं जी। बस वो कहिंदा भी हो दाता मैं तेरी शिव सलाह करदा ही रहा मैं खुमिया ही रहा मैं। नानक नावे की मन भुख गै मन तृप्त है हर रस खाए। पाचे कहते रजे किमें नावे की मन भुख है मेरे अंदर नाम की भुख है। आप जो सोदर की बाणी पढ़ते हैं बाबे नानक ने बचन किया ना साचे नाम की लागै भूख। जो भुख लगी हो ना असं आप ही जाके डब्बे बरोड़ते हैं कुछ खाने तो नहीं पेगा। माता कहती जो मैं कहती सी भी खा लै गरबा गर्म उदो तो नखरे मारदा सी हुण की बरोड़ना भुख लगी है कुछ खाण नूं मिले। जो सानू भुख लगी होएगी बाणी दी कीर्तन दी कथा दी सेवा दी सिमरन दी तो सानू कहना पएगा नहीं असी आपे भुख मिटाण तुर पांगे आपे तुर पांगे। अच्छा जे भुख ना लगी होवे जां बंदा बाहरों कुछ खा के आया होवे फिर नखरे किड्डे करदा। मां नूं पता है सब जानती कहती कि खा के आया होंगे जरूर नहीं नहीं बस कहती दाते सीधे तरह जी खा के आया पर कहानियां पाण तो बाद फिर दसते हैं हाँ जी मैं तो ना दिखाया। सानू भुख क्यों नहीं लगती? जे दुनियावी तौर पर शरीरक तौर पर सानू भुख ना लगे मतलब साडा मेहदा खराब है डॉक्टर को जावे वो कोई दवाई दे देगा भुख लग जाएगी। अजकल तो वैसे भी जेडे हालात ने ना सानू बहुती भुख लगती नहीं है बिना भुख ही खाना पैंदा। भुख इस करके नहीं लगती क्योंकि कोई मेहनत वाला काम तो होंदा नहीं हुण तो जिथे जाओ बैठो कुर्सियां ला के एसी ला के बस तो भुख तो तां लगे जे कोई हड तोड़ भी मेहनत की हो फिर तो भुख लगे। आ जड़े धोंदे आ ना समान धोंदे कदे इन्हां नूं कोल बह के वेखो भुख कितना लगती होंगी इन्हां ते सुक्कियां रोटियां भी चबा जानियां कोई चिंता ही नहीं प्रोपर पानी पी के कम सार। डॉक्टर को जावे उन्हें की करना थोड़ी बहुत दवाई देनी है दोवे चौदह दिन तक भी तो भुख लगनी जरूर है। जे सानू नाम की भुख नहीं लगती फिर आप गुरु को आके बहीए गुरु को आके बैठ के कीर्तन सुनीए कथा सुनीए विचार सुनीए उपदेश सुनीए वेखो फिर सानू नाम की भुख लगती। नानक नामे की मन भुख गै मन तृप्त है हर रस खाए। तो मन तृप्त किवें होएगा? नाम का रस खा के मन तृप्त होएगा। शब्द की बाणी का वचन है तृप्त भई सत भोजन खाया। सत का भोजन खाधा अंदरला तृप्त हो गया। तो भोजन खाना किवें? मंत्र रसना नाम त्याए रसना के नाल जपना पेगा। मालक कहते जी रसना नाल जपते हो कन्ना नाल सुनिया भी करो जय बा गुण गोबिंद भजो कर्ण सुनो हर नाम। दाता जी ने बड़े सौखे सौखे तरीके सानू दिते बड़े सौखे सौखे। एक सिक्ख कहिंदा पाशाह
तो मैनू भी दसो रब की भगती किवें करां। मालक कहिंदे घर च कुत्ता पालिया होया, कहिंदे पालिया होया। मालक कहिंदे तू सिख लै कुछ बारी, माल हो गई कुत्ते तो सिख लै हुण। मालक कहिंदे क्यों, कुत्ते तो नहीं सिख सकते। कुत्ते भी दो किस्म के होंदे, एक आवारा कुत्ते होंदे, एक वफादार होंदे। सतगुरु ने वफादार कुत्ते की बात की, स्वामी को ग्रह जू सदा श्वान तजत नय नित, नानक ए वेद कर पयो एक मन होए एक चित। मालक कहिंदे जिन्नियां मर्जी जुत्तियां मार लो, वो मालक का घर छड़दा। इत्थे एक परिवार सी, उन्हां अपने कुत्ते तो देसी का कुत्ता रखिया सी, जिहनूं कुत्ते ते कुत्ता ही नहीं ना जी, तंग हो के तनाथ छड्ड आए कि चलो मगरों लै गया। दूजे दिन देखिया तो घर के बूहे के बाहर खड़ा, कहिंदे निकम्मा फिर आ गया, इहनूं घर का ड्रेस पता नहीं कि नहीं दस्सिया। मैं कहा इहनूं दस्सण की लोड़ ही नहीं है, इहदी सूंघण शक्ति बड़ी तेज है, सूंघ लैंदा ना फिर पैड़ नक लैंदा है, ते आ गया फिर वापस। अपने मालक का वफादार है कुत्ता, ख्याल रखो। और जो भी घर च कोई आएगा उन्हें भौंकना ही भौंकना, उन्हें भौंकने का मतलब यह नहीं भी बढ़ के खा जाऊंगा मैं तुम्हें ना, वो सिर्फ भौंक के अपने मालक को सुचेत करता, मालका तेरे घर कोई बिगाड़ना बंदा आया, कोई ओपरा बंदा आया, वेख ला उठ के। फिर जिवें मालक आउंदा वो चुप कर जाता, पता मेरा मालक आ गया, उन्हें आपे नहीं चिट्ठूगा कि नहीं। मैं कदे घर गया, वो जदों सानू वेख के उन्हें भौंकना तो की सी, अपने मुँह च जुत्ती पा ली। मैं क्या की गल वे, वो कहिंदे ने भौंकना नहीं है बस, जदों इन्हें भौंकण की वारी आती अपने मुँह जुत्ती पा लेता, जुत्ती पा के साडे वालों आ जाता भी आ जाऊँ कोई आया। ऐसे करके मालक दे तेरे नाल दे सियाणा, मालक का दर मूल ना चढ़ दे, भावें मारन सौ सौ जुते ते तो उत्ते उठ बुलिया रब मना लै, नहीं तो बाजी लै गए कुत्ते तेरे तो कुत्ते। तो गुरु साहब ने बड़े सौखे सौखे तरीके दिते ने, तो जे गुरु ने भी औखा तरीका देना सी ते फिर औखे तरीके तो पहला ही बड़े सी, पुठे लटक जाओ जी, एक लत्ते खड़े हो जाओ जी, घर छड़ दिओ जी, तियां पैणा तो दूर हो जाओ जी, क्यों रब की भगती करनी है। ये किदां दी भगती है भाई, मालक कहिंदे असीं नहीं करनी इदां दी भगती, असीं तो उह भगती करनी है जिहड़े सारे परिवार च बह के कीती जा सके। बस तरीके वरतन की लोड़ है, जिवें असीं सारा परिवार बह के अज प्रशादा छकदे हाँ, सारा परिवार घूमण चलदे हाँ, सारा परिवार फलानी थां ते चलदे हाँ, कदे इह नहीं ख्याल कीता सारा परिवार बह के सोगल दा पाठ करदे आ जाओ, कदे इह नहीं ख्याल कीता अज सारा परिवार बह के जपजी पढ़दे हाँ, आ जाओ सारा परिवार अज बह के सुखमनी पढ़ लैणे, आ जाओ अज सारा परिवार बह के बाबे दी बाणी दे किसे शब्द दी विचार करदे हाँ, आ जाओ सारे बैठो। ये भगती करन दे तरीके ने, तो सतगुरु जी ने बड़े सौखे सौखे दिते ने, इस करके जतन करिए उहदे राह ते तुरन दा। सतगुरु ने अगला वचन कीता, सच सच्चा कुदरत जाणीऐ दिन राती जिन बणाईआ, जिस प्रभु ने दिन एक कौतक है रात एक कौतक है, मालक ने कौतक बनाया ना जी, पाचक कहिंदे ओह सचमुच बड़ियां वड्डियां वडियाइयां वाला है, उहदियां वडियाइयां बड़ियां ने किहदियां, जिन्हें दिन बनाई जिन्हें रात बनाई। सो सत सलाई सदा सदा सच सच्चे कियां वणियाइयां, मालक ने मेरा मन चाहुंदा है मैं अजिहे प्रभु दी सिफत सलाह करां, यदि जिहड़ा सच्चा है जिहदी वडियाई बड़ी वड्डी है, मेरा जी करदा मैं उहदियां वडियाइयां करां। ते सतगुरु ते सानूं कहिंदे ने कहो नानक करते कियां बातां, जो कुछ करना सो कर रहा, सला ही सच सला सच सच कीमत किन्ना ना पाईआ। सला ही तो पर सलाउण योग कौन, ओ सच्चा प्रभु सलाउण योग है जिहदी किसे ने कीमत नहीं पाई और ओ सदा रहण वाला है। इस तो अगे साहब ने फरमान कीता, जब मिलिया पूरा सतगुरु, जदों मैनूं पूरा सतगुरु मिलिया तां हाजर नदरी आईआ, फिर मैनूं मालक प्रतख नजर आ गया। जब जी की बाणी च पढ़ते हैं ना, गावे को जापै दिशै दूर, गावे को वेखै आदरा
हजूर, एक कहिंदा रब नेड़े है, एक कहिंदा दूर है, दोनों चो सच्चा कहिंदा ते झूठा कहिंदा दी फैसला कर लो। एक कहिंदा रब नेड़े है, एक कहिंदा रब दूर है। हुण दोनों चो देखो जे दो दुनी ते चार होंदे आ, जे दोने सच्चे होणगे ते विचार इक्को होएगी। एक कहिंदा रब दूर है, दूजा कहिंदा नेड़े है, इन्हां चो सच्चा कहिंदा ते झूठा कहिंदा फैसला करियो। हुण जे मैं आखांगा जी नेड़े है, मैनू किसी ने सवाल करना भी तू देखिया नेड़े है, पर सच तो एक ही है ना, दो तो नहीं हो सकते। पर मैनू धन गुरु ग्रंथ साहब जी कहिंदे ने भाई वह नेड़े है, किन्ना कु नेड़े है, कह रविदास हाथ पै नेड़ा सहजे होए शो होई, वह हाथ नालों भी नेड़े है। माल की गल हाथ नालों नेड़े किवें, तुसी वेखो साडे शरीर के किसी भी हिस्से च दर्द होंगे सब तो पहले कौन जाता, उत्थे हाथ जाता क्या नहीं, हाथ नूं किहने कहा भी इत्थे दर्द हो रही है। पर गला पुछदा डॉक्टर भी, हाँ बई कित्थे दर्द है, आ इत्थे दर्द है जी, अंगूठा आ, आ उंगल आ, आ पिट्ठ च दर्द हो रही है, आ पिंडी दुखदी है, आ सिर दुखदा, इन्ना इन्ना क सिर दुखदा जी, हाथ सब तो पहले जाता। बाबा कहिंदे हाथ नालों भी नेड़े आ, और हाथ साडे सब तो नेड़े आ। पाचा भी बचन करते हैं हाजिर नजरी आई है, फिर वह हाजिर नाजर प्रतख नजर आने लग पैंदा भी वह सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई सच गुरमुख जी नी सलाया, तिना भुखा सब गवाईया। पाचा ने बचन किया जेड़े सतगुरु के शर्मुख होके उस मालक नू सलाउंदे ने, उहदियां सिफतां करदे ने, उहनां दियां सारियां भुखा मुक जांदियां ने। साचे नाम की लागे भोग पुत भुखा खाई चलिए दुख, ते जा फिर बाबे ने बाणी वचन किया साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवा। मालक जी मेहर करन, असी उस दाते दी सिफ सलाह वख वख तरीकियां दे नाल कर सकीए, सुन सकीए, समझ सकीए, अपने मन नूं समझा के उहदे राह दे धारनी बन के अपना लोक परलोक सवारन वाले बन सकी। इतनियां बेनतियां प्रवान करना जी, विचार वरण हुई गलत मेरी चोली पा देनी उपदेश गुरु का जान करते वसा बख्शो शीश बुलाओ फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।